एक चम्मच दूध के साथ, या ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये भी इम्यूनिटी के लिए, ये अन्न तेल है, जब भी आप सुबह ड्यूटी के लिए जाते हैं बाहर पे अमल करना है, जिनमें मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को बार बार धोना, डायरेक्ट किसी के कांटेक्ट में ना आना, और एक चीज़ जो आपको बिल्कुल ध्यान देनी है वो ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग। अगर किसी को इन्फेक्शन होता भी है, नज़ला जुकाम बुखार होता है, तो उसको डरना नहीं है, उसको फ़ौरन टेस्ट करवाना है, कोविड का टेस्ट करवाए, और उसका जो ट्रीटमेंट है, अगर वो सिम्टोमेटिक है तो भी उसका इलाज हो जाएगा, नहीं है। कि आप जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आप ओपन में काम कर रहे हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी काम करना, और आपने करना ही करना है, और आपकी लाइफ को ज़्यादा रिस्क है इस कोरोना की बीमारी से। तो इसीलिए हमारे जो डिपार्टमेंट के डॉक्टर विमल, डॉक्टर रंजम और आजम साहब, इनको मैंने डिप्यूट किया हुआ है कि आप बाहर जाएँ और कैंप्स करें। तो इसमें हमारी जो इम्यून बूस्टिंग ड्रग्स आती हैं, ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं, क्योंकि कोरोना जो है ना एक वायरस है, वायरस जो होता है वो एक शेप में नहीं रहता, इसीलिए आज फर्स्ट वेव आई है उसकी शक्ल कुछ और थी। मैं अपनी इको 72 CRPF कंपनी से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर करके और COVID-19 के बारे में आ करके हम लोगों को जागरूक किया है, और कुछ जो मेडिसिन लेकर करके आए हैं और वो जवानों को वितरण करने के लिए, मैं फिर अपने तह दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना जो कीमती समय निकाला है वो भी हमारी एक रिक्वेस्ट के ऊपर में एक लेटर दिया था, तो साहब आए हैं यहाँ पर, खुद पूरी टीम को लेकर के आए हैं, इन्होंने पूरे जवानों को ब्रीफ किया है कि कोविड से कैसे बचा जाए, सबको मेडिसिन लगाना है, ये जो ये मेडिसिन दी है इन्होंने, मेडिसिन किस प्रकार इस्तेमाल करनी है, और इसको हम इनके दिए हुए दिशा निर्देश के अनुसार इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि जो CRPF है फ्रंटलाइन वर्कर हैं, बाहर ड्यूटी पर जाते हैं, बाज़ार के अंदर में नाका ड्यूटी है, जो भी बाहर ड्यूटी के लिए जाते हैं, सिविलियन लोगों से ज़्यादा हमारा तालमेल रहता है, कोविड के ज़्यादा चांसेस होते हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेज है इसके लिए, और जो इनकी दी हुई इंस्ट्रक्शन हैं और इस इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करते हुए अपनी जो भी है अपनी बचाव करेंगे,